क्या कमलनाथ पर जीतू पटवारी भारी पड़ रहे हैं? क्या कमलनाथ के उनके कार्यकाल के दौरान लिए हुए फैसले अब जीतू पटवारी पलटते हुए नजर आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मध्य प्रदेश के लिए तय हुआ और एक सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये फिलहाल फैसला किया गया है। वहीं अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी लगातार सीट शेयरिंग की मांग कर रही थी, लेकिन कमलनाथ के एक बयान के बाद ये बनती हुई जो बात थी वो बिगड़ गई और उसके बाद रिजल्ट जो आए वो तो सबके सामने हैं। लेकिन अब जब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के फैसले को पलटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ का एक बयान काफी चर्चा में आया था। इस बयान में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर यह बयान दिया था और अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई थी। वहीं ये भी बता दें कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की ओर इशारा कर रही थी और लगातार सीट शेयरिंग की मांग भी रख रही थी, लेकिन कमलनाथ के इस बयान के बाद सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हुई। जहां इधर कमलनाथ ने बयान दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कमलनाथ को लेकर बयान दिए, जिसके बाद पूरी सीट शेयरिंग की जो बात है वो ठंडे बस्ते में चलेगी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारे थे। कई विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस को सीधी टक्कर दी और कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस की हार का वजह भी माना गया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले जब जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, ऐसे में एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बात चली। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में फॉर्मूला तय हुआ, जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और वो सीट है खजुराहो की सीट, जहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। वहीं बची हुई 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के रास्ते खुले हैं और इसी के चलते मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि कमलनाथ के रहते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया और क्योंकि अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ के ऊपर जीतू पटवारी जो है भारी पड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो चुका है और समाजवादी पार्टी एक सीट पर मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने वाली है। दोनों पार्टी एक दूसरे को समर्थन देने की बात कह रही है। इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने खड़ा है और कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचा पाता है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं कमलनाथ बैकफुट पर और जीतू पटवारी फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।